नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानसी सिंह। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर में हो रहे चुनावी माहौल के बारे में। छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी के लिए झारखंड पुलिस ने कांकेर में कई जगह छापेमारी की है। इस मामले में अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। हालांकि झारखंड पुलिस के हाथ अब तक खाली है, लेकिन उनकी एंट्री ने छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मी को जरूर बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर उपचुनाव में जुबानी तीर जारी है। दुष्कर्म के आरोपों के बाद झारखंड पुलिस की एंट्री ने इसे और भी गंभीर बना दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा एक दुष्कर्मी के साथ खड़ी है, यह नैतिकता के खिलाफ है। ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा चुनौती देती है। अब झारखंड पुलिस को षड्यंत्र बताने लगी है। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार किया कि हार की घबराहट के चलते भूपेश बघेल ऐसा कदम उठा रहे हैं। दरअसल रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि भाजपा पहले से कह रही थी कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करें, अब पुलिस आई है तो हाय तौबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, किसी के दोस्त रहने से गिरफ्तारी नहीं हो जाती। कहा कि जब 2019 में केस दर्ज हुआ था तब भाजपा के रघुवर दास की सरकार थी, भाजपा नेताओं को उनसे ही पूछना चाहिए कि इतना पहले से षड्यंत्र कैसे शुरू हुआ। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बयान के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भानुप्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा प्रमाण नेताओं को प्रत्याशी घोषित किया, उन्होंने नामांकन दाखिल किया, इसके बाद हार को देखते हुए मुख्यमंत्री के पास कोई चारा नहीं रहा तो उन्होंने इस प्रकरण को जागृत करने का काम किया। 3 साल बाद अचानक पुलिस आती है और गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ती है। रमन सिंह ने कहा कि षड्यंत्र का आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि ताकि कोई नोटिस नहीं, कोई समन नहीं, कोई सूचना नहीं, यह राजनीति से प्रेरित है और दबाव बनाने के लिए ऐसा सब किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरा प्रकरण 2019 का है और पॉस्को एक्ट में कार्यवाही 24 घंटे में होती है। तो 2020, 2021 और 2022 तक 3 साल तक क्या झारखंड की पुलिस इंतजार करती रही? जिस व्यक्ति का नाम नहीं था उसका नाम बाद में जोड़ने का प्रयास किया गया, बयान लिया गया। उन्होंने यह भी कहा भूपेश बघेल अपने हार के घबराहट के चलते यह सब कर रहे हैं, जनता इन्हें इसका जवाब देगी। यह सरासर गलत है, इसका भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगी। मुद्दा बना रही है पहले वो ब्रह्मानंद नेताम की वजह से ही बीजेपी जो है एक तरह से इस उपचुनाव में मुश्किलों में फंसी हुई दिखाई दे रही है। इसका सियासी नुकसान आने वाले समय में भी झेलना पड़ेगा बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी के साथ खड़ा हुआ है, क्या किसी बलात्कारी किस प्रकार से बचाना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए? यदि गलत है तो गलत है, उसे छुपाने की क्या जरूरत है? उसे स्वीकार करना चाहिए हाँ हमसे गलती हुई, क्योंकि उसी सरकार में FIR हुआ है। जब वो सरकार में थे तब FIR हुआ है, तो उसको अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए। अब गलती स्वीकार नहीं करके गलती को बार बार छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी गलती करेंगे, फिर तीसरी गलती होगी। सर भाजपा जो है, मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा प्रकरण 2019 का और 2019 से लेकर 20, 21, 22 मान लो ये पॉस्को एक्ट में कार्रवाई करने की है तो ये तो 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है। 3 साल तक झारखंड की पुलिस इंतज़ार करती रही और पहले FIR में जिस व्यक्ति का नाम नहीं था बाद में जोड़ने का प्रयास किया गया, बयान पे नाम लिया गया, तो ये 3 साल बाद जाग के जब चुनाव की तैयारी और चुनाव के फॉर्म भरने की तैयारी करने लगे ब्रह्मानंद नेताम, चुनाव लड़ने लगे और कांग्रेस की हालत पूरे चुनाव क्षेत्र में सबसे खराब दिख रही थी और हार को देखते हुए अब भूपेश के पास कोई चारा नहीं रहा, तो उन्होंने उस पुराने प्रकरण को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और 3 साल बाद अचानक पुलिस जागृत हुई और गिरफ्तारी के लिए वहाँ से निकल चलती है। तो मुझे लगता है ये सरासर राजनीति से प्रेरित है और दबाव बनाने के लिए राजनीति है और चुनाव की हार को देखते हुए ये घबराहट में लिया गया कदम है।